हेलो टू एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्कल को डिटेल में। जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे पास किसी एक बंदे का स्कल है, मरे हुए बंदे का स्कल है। बेसिकली ये हमारा एक्सल स्केल्टन सिस्टम का पार्ट है और इसके अंदर तकरीबन 29 बोन्स कंसिस्ट करता है। ये 20 बेसिकली इसके कई पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इसका क्रेनियम है और दूसरा हमारा इसका फेशियल बोन्स है, फेशियल बोन्स, ईयर ओसिकल और हार्ड बोन्स। बेसिकली क्रेनियम का क्या काम है, क्रेनियम ने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रखा है। और फेशियल बोन का क्या काम, हमारे फेस को भी तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना। और जो ये हमारा जो मैंडिबल, इसके अंदर आप देख रहे हो एक मैंडिबल पार्ट भी है। इसका क्या काम है, हमारे स्कल में सिर्फ एकमात्र हड्डी ऐसी है जो मूवमेंट करती है, वो है ये मैंडिबल। ओके, तो हम क्रेनियम को देखते हैं। क्रेनियम के भी कई पार्ट हैं, मैं दिखा देता हूँ। जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, अगर मैं कहूँ ये वाला, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल। ये वाला पार्ट, इसको ये पहले वाले को फ्रंटल बोलते हैं। और जिसके पीछे है, पीछे वाला, इस पार्ट को हम कहते हैं ऑक्सीपिटल। मेरा ये फ्रंटल, ये पीछे वाला ऑक्सीपिटल। ओके, ये एक एक बोन है, एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल। ओके, अब आपको ये दो और दिख रहे होंगे, ये पार्ट, ये टोपियू है एक्चुअली। ये पेराइटल पार्ट है, ये दो बोन से मिलकर बना है, मतलब पेराइटल, ये वाला। ओके, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल, आप ये देखोगा। और साइड में हमारे जो साइड में है, ये टेम्पोरल है, ये साइड वाला पार्ट, एक यहाँ पे, दो टेम्पोरल है। बाकी हमारी जो स्फिनोइड और इथमोइड है, हम विजिबल नहीं है इसके अंदर, बेसिकली वो इजी नहीं दिखती। मतलब जो इथमोइड है वो हमारी आई के ऑर्बिट के अंदर होती है, और जो स्फिनोइड है बेसिकली बटरफ्लाई की शेप है, वो हर एक क्रेनियम के बोन से अटैच है। अब हम अगर डिस्कस करें तो फेशियल बोन्स को बेसिकली देखें, तो ये वाले पार्ट को हम कह देंगे ये मैक्सिला कह देंगे। अब ये वाला पार्ट हमारे यहाँ, ये वाला, या जाइगोमेटिक, यहाँ भी मैक्सिला, जाइगोमेटिक, आप देख सकते हो मैक्सिला, जाइगोमेटिक आपको दिख रहा होगा। ये हमारा फेशियल बोन्स है, ये मैंडिबल, मुंह, हम खाना खाते हैं इसी की हेल्प से, हम खाना खा रहे हैं बेसिकली। अगर हम देखा जाए, बंदे कह देते हैं कि भाई ये नाक में हड्डी होती है, बेसिकली नाक में ना हड्डी होती है, थोड़ा अंदर होती है, ये ना कार्टिलेज होती है, कार्टिलेजनियस होती है। अगर इसको कट करें ना, तो यहाँ पे नेजल बोन होती है। अब यहाँ पे दो नेजल बोन होती है, एक दो, यहाँ पे दो नेजल बोन है हमारी। और अगर थोड़ा सा और अंदर जाया जाए, यहाँ पे एक लैक्रिमल है, यहाँ पे भी एक हमारी लैक्रिमल बोन है। तो बेसिकली सारा कुछ इसमें शो नहीं हो रहा है। और कुछ पार्ट हमारा ईयर ओसिकल भी अच्छे से शो नहीं, बट बता देता हूँ, ईयर ओसिकल के अंदर भी हमारी तीन बोन है हमारी, मैलस इनकस स्टेपस, जो हमारी स्टेपस है, सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है हमारे पूरे शरीर में, सबसे छोटी। अगर क्वेश्चन आ जाए कहीं बार नेट वगैरह में, तो सबसे छोटी हमारी हड्डी ईयर ओसिकल के अंदर कौन सी है, स्टेपस, ठीक है। अगर सबसे बड़ी आ जाए तो हमारी फीमर सबसे बड़ी है, हमारी लेग की सबसे बड़ी होती है। तो ईयर ओसिकल हमारा कंप्लीट हो गया। और हमारा और एक और लास्ट रहती है हर्ड बोन। बेसिकली हमारे लैरिंग से ऊपर का पार्ट है। एकमात्र हर्ड बोन ऐसी है जो किसी और बोन को टच नहीं कर रही, मतलब और जितनी भी सारी बोन है ना किसी ना किसी बोन्स को टच करती है, बट हेड बोन किसी और बोन को टच नहीं कर रही है। ये बेसिकली ना हमारी टंग के साथ अटैच है। ओके, थैंक यू सो मच। आपको कैसी लगी वीडियो?